इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सुप्रभ उवाच भक्त परिवार सोलापुर। एक विकल्प जो कि भाव भाव में भटकाने वाला है, और वही एक विकल्प जो हमें अनंत संसार से निकलकर अनंत सुख की ओर ले जाने वाला है। एक विकल्प जो संसार में भटकन का कारण बना क्योंकि उसमें समीचीनता नहीं थी, और वही एक विकल्प जब समीचीनता को प्राप्त होता है तो अनंत संसार की भटकन से छुड़ा करके अनंत सुख की ओर ले जाता है। और यदि उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान निर्ग्रंथ गुरु के मुखारविंद से प्राप्त हो तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण के मार्ग का कारण बन जाता है। कल्याण के मार्ग का वह कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम प्रतिदिन परम पूज मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान, और आज का पहला विकल्प परम पूज मुनि श्री की दीक्षा भूमि अशोकनगर मध्य प्रदेश से निर्मल जैन मिर्ची, परम पूज मुनि श्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी देवगति में सम्यक दर्शन का निमित्त देव रिद्धि भी बताया गया है, इससे क्या आशय है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जैसे कि निर्मल जी आप ये तो जानते ही हैं कि देवगति में जन्म से ही अवधि ज्ञान हुआ करता है, और देव जन्म से ही उस अवधि ज्ञान से ही अपने उन कार्यों को सिद्ध करते, और चूंकि उनको अवधि ज्ञान होता है वह भूत भविष्य और उन सभी कार्यों को कुछ कुछ अंशों में जानते, जो उनकी सीमा में है उन अवधि की सीमा में, अवधि ज्ञान की सीमा में जो भी विषय आएंगे उन रूपी विषयों में उनका परिणमन होता है। और ये भी आप बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो देवों का सुख है वह देवों का ही इंद्रिय सुख है, उनकी तुलना अन्य किसी के साथ नहीं की जा सकती, और उस इंद्रिय सुखों के निमित्त से जो उनको रिद्धियां आदि प्रकट है वह अनिमा महिमा लघिमा आदि रिद्धिधारी भी वहाँ पर देव हुआ करते हैं, और कुछ अनेक आदि आदि जो वाहन जाति के या सेवक जाति के देव होते हैं वो भी होते हैं, और कोई इंद्र जो रिद्धिधारी होते हैं वो इंद्र होते, भले ही वे सभी देव गति के देव आयु के जीव होने पर भी उनमें तारतम्यता दिखती है। कोई इंद्र आज्ञा देने वाले रिद्धि संपन्न होते हैं तो कोई आज्ञा का पालन करने वाले अनेक आदि आदि जाति के देव हुआ। तो ये जो अंतर है इसके विषय में जब जब वह देव लोग अपना अवधि ज्ञान लगाते हैं कि मैं भी देव हूँ वो भी देव है, पर वो आज्ञा दे रहा है और मैं आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, ये इतना अंतर क्यों है? इस विषय पर वह जब अवधि ज्ञान लगाते हैं तब उन्हें भूत की पर्याय सामने दिखाई देती, उस भूत की पर्याय को सामने रखते हुए वे ये सोचते हैं और देखते हैं कि इन्होंने पिछली पर्याय में बहुत धर्म की सम्यक की आराधना की थी जिसके कारण से ये रिद्धि संपन्न देव हुए हैं, और मैंने धर्म का आलंबन नहीं लिया था, सम्यक की आराधना नहीं की थी, इस कारण से मैं हीन कुल में या हीन देव में या परिपूर्ण रूप से जो विकलत्र या विकलत्र नहीं उसे जो देवों की जो तीन गतियां कही है या तीन प्रकार के देव कहे हैं भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष, ऐसे देव दुर्गति को प्राप्त किया है या वैमानिक देव बनने के बाद भी जो वाहन आदि बनने वाले अनेक आदि प्रकार के हैं, ऐसे उस देव दुर्गति को मैंने प्राप्त किया है। क्यों? क्योंकि मैंने सम्यक की धर्म की धर्मायतनों की सेवा नहीं की थी, इसके कारण से मैं रिद्धिहीन देव बना हूँ, और ये इसने धर्म का आलंबन लिया था, धर्मात्माओं की सम्यक की उपासना की थी जिसके निमित्त से ये रिद्धिधारी संपन्न इंद्र नाम का देव बना है। ये हमारे में अंतर धर्म के पालन करने और ना करने से हुआ है। ये जैसे उस रिद्धि को देखकर उसे बोध होता है, अवधि ज्ञान से जानता है, वह उस मिथ्यात को छोड़कर सम्यक की उपासना करने लगता है, इसलिए देव रिद्धि को
उस सम्यक प्राप्ति का कारण बताया। देव रिद्धि से कभी भी उन्हें सम्यक प्राप्त नहीं होता, पर देव रिद्धि क्यों प्रकट हुई उसे देखकर जो वह अवधि ज्ञान से जानता है कि पिछली पर्याय में उन्होंने वह इन देव रिद्धि को प्राप्त करने के लिए धर्म, धर्म आयतन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चारित्र आदि आदि की उपासना की थी, इसके कारण से ये रिद्धि संपन्न देव हुआ है, ये जानकर वह उपचार से उस देव रिद्धि को ही आचार्य भगवंतों ने सम्यक का कारण कहते हुए सम्यक उत्पन्न करने का हेतु बताया है, पर देव रिद्धि से अवधि ज्ञान लगाते हुए उसके कारणों को समझकर वह सम्यक के विमुख होता है, सम्यक के सामने पहुंचता है या सम्यक को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करता है, इसलिए देव रिद्धि यानी जो रिद्धि संपन्न देव है उनकी उस रिद्धि को देखकर भूत की पर्याय को जानते हुए, उनके परिणमन को जानते हुए, धर्म पर धर्म के प्रति विश्वास करते हुए वह सम्यक दृष्टि बनता है, इसलिए उपचार से उन देवों की रिद्धियों को, देवों की महिमाओं को ही आचार्य भगवान ने सम्यक का कारण कहा, यही आपके लिए सम्यक समझ। सुलभा अशोक अवने अकोला महाराष्ट्र से परम पूज्य मनीषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी प्रोसद उपवास कब और कैसे किया जाता है, हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अष्टमी और चतुर्दशी इसे शाश्वत पर्व कहा, और इन शाश्वत पर्वों के निमित्त से जो अपने आप का शोधन करने के लिए, अपने आप को संयमित करने के लिए जो उपवास कहा जाता है वह प्रोशोध उपवास है, जहाँ इन पर्व के दिनों में यानी अष्टमी चतुर्दशी के दिनों में पूर्ण रूप से चारों प्रकार के आहार का, भोजन का त्याग। अष्टमी और चतुर्दशी को आचार्य भगवंतों ने शाश्वत त्रैकालिक पर्व का, और उन अष्टमी चतुर्दशी के दिनों के निमित्त से जो भी उपवास आदि का व्याख्यान प्राप्त होता है उसे ही प्रोशोध उपवास कहा जाता है। अपने आत्मा का जहाँ शोधन होता है वह प्रोशोध उपवास उन पर्व के दिनों में यानी अष्टमी चतुर्दशी के दिनों में पूर्ण रूप से चारों प्रकार के भोजन का, खाद्य पात्र स्वाद और लेय, इन चारों प्रकार के भोजन का त्याग करने के साथ साथ जो अष्टमी के एक दिन पूर्व और अष्टमी के एक दिन बाद, ऐसे चतुर्दशी के एक दिन पूर्व और चतुर्दशी के एक दिन बाद जो एकासन पूर्वक जो यह उपवास किया जाता है वह प्रोशोध उपवास कहा जाता है, और ये प्रोशोध उपवास उन त्रैकालिक अष्टमी चतुर्दशी रूपी पर्व के ही निमित्त से कहा गया है और वह उन्हीं के दिनों में ही किया जाता है। बाकी तो सामान्य उपवास अन्य दिनों में भी किए जाते हैं, पर जो प्रोशोध उपवास की भूमिका या प्रोशोध उपवास की व्याख्या प्राप्त होती है वह अष्टमी चतुर्दशी के एक दिन आगे पीछे एकासन के साथ उन पर्व के दिनों में, व्रत के दिनों में परिपूर्ण रूप से चारों प्रकार के आहार का, भोजन का त्याग करना, उसे ही आगम में उपवास और प्रोशोध यानी आगे पीछे के एक एक दिन के एक एक एकासन के साथ जो मध्य में किया जाने वाला उपवास है उसे प्रोशोध उपवास कहा है, और वह अष्टमी चतुर्दशी के ही पर्व के दिनों में ही आगे पीछे के दिनों को समझते हुए किया जाता है, यही आपके लिए समय। श्रीमती सुधा जैन गोपालगंज सागर मध्य प्रदेश से परम पूज मनीश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी छत पर जो सिंटेक्स पानी की टंकी रखी हुई है उसमें से स्नान गृह में एवं बाहर भी पानी की सप्लाई होती है, इससे चौके के एवं पूजन के बर्तन भी धुलते हैं, तो क्या ऐसा करना उचित है, हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम में आचार्य भगवंतों ने सिंटेक्स की टांकी या अन्य कोई हौदी आदि आदि का कोई व्याख्यान नहीं किया, अपितु वह श्रावकों के लिए मात्र इतना ही निर्देश करते हैं जब भी घर गृहस्थी के कार्यों के लिए आपको पानी का प्रयोग करना है उस प्रत्येक समय में आपको छने पानी का ही प्रयोग करना है, फिर वह चाहे टंकी से आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसके लिए आपको क्या करना है, ये सब कुछ श्रावक का विवेक है, और इसी कारण से ये परम सत्य बात स्वीकार करनी होगी कि जहाँ पानी छन के
वह भी पानी जो पानी छानने की विधि आगम में बताई गई है, दोहरे छन्ने से, जिस छन्ने से सूर्य की किरणें आर पार नहीं होती हो, ऐसे मोटे दोहरे छन्ने से छना हुआ पानी ही छना कहलाता है। अन्य थैली लगाया हुआ, वह नल की टोटी में लगाया हुआ छन्ना, ये आगम के परिपेक्ष में पानी छानने की विधि है ही नहीं। और इस कारण से घर गृहस्थी का अगर आप ऐसे पानी से सामान्य रूप से भी प्रयोग कर रहे हो तो वो भी एक श्रावक के लिए उचित नहीं है। फिर आप कह रहे हो चौके के बर्तन हैं या भोजन आदि के बर्तन हैं, वो तो दोषपूर्ण है ही, पर साथ साथ आप अगर अपने घर के भी अन्य भी कार्य जो है, कपड़े धोना, अन्य बर्तन धोना या अन्य भी किसी प्रकार से उन पानी का प्रयोग कर रहे हैं, तो वह पानी छना नहीं कहलाएगा। अगर वह दोहरे छन्ने से जिस विधि से आचार्य भगवान ने उसका व्याख्यान किया। और साथ में ये बात भी अवश्य ध्यान रखे कि मात्र छानना इतना ही छानने की विधि नहीं है, छानने के बाद उस पानी की विलछानी भी यथास्थान में पहुंचनी चाहिए, ये परम परम आवश्यक। अगर विलछानी अपने स्थान पर नहीं पहुंच रही है तो वह पानी छना नहीं माना जा सकता। इसलिए जो टंकी को, नल को आपने थैली बांध के रखी है, उसकी विलछानी आप कब करने जाते हैं, इस कारण से वह पानी अनछना ही है। और अनछने पानी का प्रयोग श्रावकों के लिए परिपूर्ण रूप से निषेध निषेध ही कहा है। इसलिए आप उसके उस पानी से अगर घर गृहस्थी के भी काम कर रहे हो, वो भी जब दोषपूर्ण है, फिर तो पूजन के चौके आदि के बर्तन आदि आदि कर रहे हैं तो वो तो और भी दोषपूर्ण है। श्रावक के लिए वह छना पानी का ही प्रयोग करना एक श्रेष्ठ कार्य है, क्योंकि तभी वह उन जल के जीवों की रक्षा कर सकता है, अन्यथा जीवों की हिंसा रूप उसे दोष अवश्य ही लगेगा। और विशेष करके ऐसे पूजा आदि के बर्तन हैं या चौके आदि के बर्तन अगर आप उससे धो रहे हैं तो और भी हम जिस पुण्य के लिए उस कार्य को कर रहे थे वह पुण्य भी हमारा धुल जाएगा, और इधर हम पाप भी कर ही रहे हैं, क्योंकि अनछने पानी का प्रयोग करना और अनछने पानी में एक बूंद में असंख्यात जीवों की हिंसा होती है, यह आपने समझाई है। इसलिए वे प्रत्येक कार्य अनछने पानी से किए जाने वाले दोषपूर्ण नहीं है, यही आपके लिए सम्यक समझ। अगले समीचीन विकल्प के लिए सागर मध्य प्रदेश से राहुल जैन परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, विद्यार्थी जीवन को सफल कैसे बनाएं एवं एकाग्रचित पढ़ाई में मन कैसे लगाएं? आज का याद किया हुआ कल भूल जाते हैं, ऐसा क्यों? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मन को एकाग्र करने के लिए परिपूर्ण रूप से स्वयं को ही स्वयं से निर्णय करने की आवश्यकता। किसी के कहने से हमारा मन एकाग्र हो नहीं सकता, या बहिरंग कितने भी उपाय कर ले और भीतर का निर्णय नहीं है तो हम कभी भी पढ़ाई आदि में मन को एकाग्र कर ही नहीं सकते। पढ़ाई क्या, कोई भी कार्य में जब तक हम स्वयं निर्णय नहीं करेंगे तब तक हमारा मन एकाग्र हो नहीं सकता। रही बात जो हमने याद किया है उसको ठीक करने के लिए हमें सतत सतत उसकी रिवीजन, उसका सतत सतत अभ्यास करने की आवश्यकता है। व्यक्ति ये सोचता है मैंने आज पढ़ लिया कल मुझे याद हो जाना चाहिए, मैंने कल पढ़ लिया मुझे परसों तक याद रहना चाहिए, ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि दिमाग में और मन में व्यक्ति की, विद्यार्थियों के इतने सारे विकल्प रहते हैं कि उन बाहर के विकल्पों के कारण ये जो अभ्यास है, पढ़ाई है, उसकी जो बातें याद रखने जैसी होती है व्यक्ति वह भूल जाता, क्योंकि इससे बात करना, ये ग्रुप चलाना, ये फोन पे बात करना आदि आदि रूप जो विद्यार्थियों के अन्य भी बहुत सारे कार्य हो चुके हैं, उस कारण से वह अपने मन को एकाग्र भी नहीं कर पा रहा है, और मन की एकाग्रता के अभाव में जो भी याद करेंगे वो जल्दी ही भूल जाते हैं। इसलिए पहले तो हमें एकाग्रता से ये अपने आप में कॉन्सेंट्रेट करते हुए निर्णय करने की आवश्यकता है कि आज हमने लौकिक पढ़ाई नहीं की तो हो सकता है भविष्य में मेरी जीवन की, मेरी समाज में, मेरे घर परिवार देश में मेरी कोई भी कीमत नहीं होगी। ये जिसको बोध है, ज्ञान है,
वो ही अपनी पढ़ाई में एकाग्रता से मन लगाते हुए पढ़ाई करता है, अन्यथा बहुत सारे बाहर के निमित्त है और जो जो बाहर के निमित्तों में उलझा है, चाहे टीवी हो, मोबाइल हो, खेलना हो, मित्र परिवार हो आदि कोई भी क्यों ना हो, उन प्रत्येक के निमित्त से तुम्हारा मन डाइवर्ट होगा और जितना मन डाइवर्ट होगा उतनी तुम्हारी एकाग्रता कम होगी और उतना ही तुमने याद किया हुआ आपके लिए शीघ्र ही भूलने के लिए निमित्त होगा। इसलिए बाहर के व्यवधानों को, बाहर के उन कारणों से बचते हुए हम ये निर्णय करें कि हमारे जीवन के उत्थान के लिए, एक सफल जीवन के लिए हमें एक लौकिक पढ़ाई अवश्य है, और वो भी सामान्य रूप से नहीं, विशेष रूप से उस लौकिक पढ़ाई को प्राप्त करना अनिवार्य है। तभी हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हुए, एकाग्रता बढ़ाते हुए, उस कार्यों में मन लगाते हुए और अभ्यास करने का और याद करने का पुरुषार्थ कर सकते। जो हम एक बार पढ़ के याद करना चाहते हैं उसे 10 बार हमें याद करना होगा, और मैं तो कहता हूँ मात्र पढ़ने से जितना याद नहीं होता उसको अगर हम लिख के याद करने का पुरुषार्थ करेंगे तो जो हमने लिख के याद किया है वो हमारे लिए लंबे समय के लिए याद रहता है। इसलिए जितना बने हम उस पढ़े हुए में से, अगर 50 पंक्तियाँ पढ़ी है तो उसमें से 15, 20, 25 जितनी लिख सके उतना लिखे, उसमें से पुनः उसको पढ़ते समय 5 लाइन की नोट्स बनाए, ऐसे करते करते अगर हमने लिखने का अभ्यास किया है, क्योंकि स्वयं के हाथों से लिखा हुआ हमें जल्दी और लंबे समय तक याद रहता है। इसलिए क्योंकि दूसरों का लिखा हुआ भूल सकते हैं, पर लिखते समय पहले पढ़ा हुआ याद आएगा, पुनः लिखते ही समय याद आया, इसलिए जितना अच्छा हम लिखने से याद कर सकते हैं उतना मात्र पढ़ के याद नहीं रख सकते। इसलिए अपने उस क्षयोक्षम को बढ़ाने के लिए सतत अभ्यास करते रहे, मन की एकाग्रता को प्राप्त करें, और एकाग्रता के लिए जो अनावश्यक रूप से साधन है, भौतिक साधन, उनसे दूर होने का प्रयास करें, तो ही आपका यह विद्यार्थी जीवन सफल हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं श्रीमती कल्पना शास्त्री, धर्मपत्नी पंडित राजन जी सुमन, सागर मध्य प्रदेश से, अपने समीचीन विकल्प के साथ। आचार्य विद्या सागर महाराज की जय। आचार्य विशेष सागर महाराज की जय। मुनि श्री शुभ सागर महाराज की जय। प्रण सागर महाराज की जय। मुनि श्री, जैन धर्म को सप्तभंगी ज्ञान क्यों माना गया है और जैन धर्म को ही अहिंसा का धर्म क्यों माना है, कृपया हमारी जिज्ञासा का समीचीन सम्यक समाधान दीजिए। जैन दर्शन ही इस ब्रह्मांड में ऐसा दर्शन है जो अपने दृष्टि में अनेकांत, वाणी में साधवाद और चर्या में अहिंसा को लिए हुए है, और इन्हीं के कारण से इस जैन धर्म को, जैन दर्शन को सप्तभंगी ज्ञान से युक्त और अहिंसामय धर्म कहा जाता है। क्योंकि इस धर्म के और इस दर्शन के अगर कोई मूलभूत प्राण है, वह 3 है जिसे हमने अभी अभी समझा, वह अपने दृष्टि में अनेकांत, वाणी में साधवाद और चर्या में अहिंसा। जो हिंसा से रहित चर्या है उसे ही अहिंसा कहा। जो अहिंसा हमारे जैन धर्म में, जैन दर्शन में कही गई है, वह अहिंसा अन्य कहीं भी आपको प्राप्त नहीं होगी। इतना ही नहीं, बहुत सारे धर्मों में दया, अनुकंपा, अहिंसा आदि की व्याख्या प्राप्त होती है, पर जहां उनकी अहिंसा समाप्त होती है वहां से हमारे जैन धर्म की अहिंसा प्रारंभ होती है। और इतना विशाल उस अहिंसा के विषय में आचार्य भगवंतों ने हमारे लिए लिख के और सत्य को प्रदान किया है, जिसके कारण से वास्तविक अहिंसा का पालन करने वाला यह जैन धर्म ही अहिंसा परमो धर्म कहा है, और यही परिपूर्ण रूप से अहिंसा की कसौटी में उतरने वाला होने से यह अहिंसा का धर्म जैन धर्म कहा गया। कैसी अहिंसा, क्या अहिंसा, आपको कहने की आवश्यकता नहीं है और उतना समय भी नहीं है, पर इतना ही समझना होगा कि जहां अन्य स्थानों की अहिंसा समाप्त होती है वहां से हमारी अहिंसा प्रारंभ होती है। हमारे तीर्थंकर भगवंतों की, हमारे आचार्य भगवंतों की, वहां से अहिंसा प्रारंभ होती है, इसलिए हमारा धर्म अहिंसामय या अहिंसा धर्म ही कहा गया। साथ में जो पहले 2 प्रत्यय कहे थे, दृष्टि में अनेकांत और वाणी में साधवाद, ये ही सप्तभंगी ज्ञान है। जो सात कथनचित करते हुए
एक ही वस्तु को अनेक प्रकार से समझने का और अनेक प्रकार से कहने की जो कला है वह मात्र हमारे जैन धर्म में है, अन्य कहीं भी नहीं है। क्योंकि अन्य दर्शन को अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ परिपूर्ण रूप से किसी ने नित्य एकांत को माना, किसी ने क्षणिक एकांत को माना, किसी ने मात्र द्रव्य एकांत को माना, ऐसे उन्होंने मात्र एक एक एकांत को ही स्वीकार किया है, इसलिए वह उनका ज्ञान परिपूर्ण रूप से सम्यक ज्ञान नहीं है। सम्यक ज्ञान वह होता है जो वस्तु के सर्वांगीण दृष्टि से उसका निर्णय करने वाला होता है। क्योंकि ब्रह्मांड की प्रत्येक प्रत्येक वस्तु अनेकांतात्मक है, अनेक धर्मों से युक्त है। उस अनेक धर्मों को जब कहने का प्रयास किया जाता है तब उस वाणी को स्यादवाद वाणी कहते हैं। और जो हम इस स्यादवादमयी द्वादशांगमयी उस जिनवाणी को हम नमस्कार करते हैं तो वह स्यादवाद का ही अर्थ है। स्याद सात भंगों से बना हुआ ये स्यादवाद है। स्याद अस्थि, स्याद नास्ति, स्याद अस्थि नास्ति, स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्थि अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य और स्याद अस्थि नास्ति अवक्तव्य, इन सात भंगों से यह स्यादवाद बना है। और वही सात भंग स्यादवाद रूपी हमारे इस सम्यक ज्ञान का प्राण होने से, इस सम्यक ज्ञान रूपी हमारे जैन धर्म को या जैन धर्म में जो सम्यक ज्ञान की भूमिका रखी है उसे सप्त भंगों से युक्त होने से हमारे ज्ञान को, सम्यक ज्ञान को ही सप्तभंगी ज्ञान कहा गया है। इसलिए जैन धर्म का ज्ञान सप्तभंगी ज्ञान है और उनका आचरण परिपूर्ण रूप से अहिंसा धर्म रूप होने से उसे ही अहिंसा कहा। क्योंकि ये वाक्य हमेशा याद रखने जैसा है कि दृष्टि में अनेकांत, वाणी में सादवाद और चर्या में अहिंसा, यही जैन धर्म और जैन दर्शन के प्राण हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती मंजू जैन, सागर, मध्य प्रदेश, अरिहंत विहार कॉलोनी से, अगले समीचीन में कल्प के लिए हमारे सामने। महाराज श्री, अहंकार, ईर्ष्या और दूसरों की निंदा करना, ये सब अनंत संसार का कारण है। इन सब बुराइयों से हम अपने आप को कैसे दूर रखें? महाराज श्री, इस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान कर मेरा मार्ग प्रशस्त करें। नमोस्तु महाराज जी। माँ, वर्तमान का व्यक्ति जानता तो बहुत कुछ है पर समस्या उसके साथ ये है कि वो मानता नहीं। वह ये परम सत्य जानता है कि अहंकार, ईर्ष्या आदि उसके शत्रु है और उसके लिए नुकसानदायक, पर फिर भी जितना वो जानता है उसको वह स्वयं से मानना नहीं चाहता। क्योंकि सबसे पहला ही शत्रु आपने जैसे कहा अहंकार, और जब तक वह अहंकार मानने नहीं दे रहा है तब तक सत्य सामने होने पर भी व्यक्ति अपनी आँख खोलकर सत्य का सत्य निर्णय नहीं कर पाता। और जब तक आप सत्य का निर्णय नहीं करोगे तब तक ये जो शब्दों में हमने पढ़ के रखा है कि अहंकार, ईर्ष्या, कसाय हमारे शत्रु है, ये मात्र शब्दों तक ही सीमित रहेंगे। जब तक उन बातों को जो हमने सुना है, पढ़ा है, जो जानते हैं उसे मानने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक पक्का मान लेना हम इन शत्रुओं से दूर होने वाले नहीं हैं। इसलिए सबसे पहले काम अगर व्यक्तियों को अपने आप को ठीक करना है, अपने जीवन को ठीक करना है, तो जो जो हम जानते हैं उसे मानना होगा। और उस जानने के बाद, मानने के बाद भी काम नहीं होगा। बहुत सारे जीव हैं, जानते भी हैं, मानते भी हैं, पर मानते हुए भी गलत कर रहे हैं तो भी वह अपने साथ, स्वयं के साथ छल कपट कर। जब हम जानते हैं, मानते हैं, तो उसे हमें तीसरा काम जीवन में उतारने का भी करना होगा। जब हम ये बात सत्य जानते हैं कि अहंकार, ईर्ष्या आदि आदि हमारे शत्रु है, और क्वचित कदाचित हमने मान भी लिया, तो जिसे जाना है, माना है, उसे जीवन में भी तो उतारना होगा। ये जो बाहर बाहर का, ऊपरी ऊपरी शब्दों का हमने जो निर्णय किया है वह कभी ना कभी भीतर में बैठकर हमें स्वयं से निर्णय करने की आवश्यकता है कि नहीं, ये हमने जो पढ़ा है, जाना है, उसे हमें अपने जीवन में भी उतारना है कि वास्तव में उसके कारण से जो जो मुझे घाटा हो रहा है, जो जो नुकसान हो रहा है, उसका चिंतन हमें करना होगा। माना कि कभी अहंकार के वशीभूत होते हुए हमने अपनी मान कषाय की पुष्टि के लिए दूसरे से जो ईर्ष्या की थी कषाय का परिणमन किया था, उस कारण से मेरे जीवन में क्या क्या नुकसान हुआ। जब किसी काल में हमने इन कषायों के परिणमन के निमित्त से किसी के साथ लड़ाई की थी तो उसका अंजाम क्या हुआ, उसका फल मेरे जीवन में क्या मिला, उसका रिजल्ट मेरे लिए क्या प्राप्त हुआ, इसके बारे में अगर थोड़ा सा भी हम विचार करेंगे तो हो सकता है उससे कभी बचने का भी हम प्रयास करेंगे।
पर अक्सर यही होता है, जब व्यक्ति उन कषायों में उलझता है तब उसे समझ में नहीं आता, पर जैसे ही कषाय का उपशम होता है कुछ ही मिनटों में वह पछताता है, अरे मैंने ऐसा क्यों किया। पर यही समझ जो हमें थोड़े देर के बाद आई थी, वही समझ अगर समय पे आ जाती तो हमारा ना समझ पाने का ये कार्य हो नहीं सकता। इसलिए प्रति समय हम अपने परिणामों को समझदारी से समझाने का प्रयास करें, क्योंकि माँ जितना हम दूसरों को समझाने का प्रयास करते हैं उतना स्वयं को समझाने का पुरुषार्थ और प्रयास नहीं करते। जितना हम दूसरों को समझाते हैं उसके 50% भी हम स्वयं को समझाने का प्रयास करेंगे तो कभी भी इन कषायों में ईर्ष्या अहंकार आदि में हम नहीं उलझ सकते। आप हम सभी रहते समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस बहुचर्चित कार्यक्रम का। प्रतिदिन की भांति यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभु आज के माध्यम से प्रसारित होता है एवं शाम को 4:00 पारस टीवी के माध्यम से यह कार्यक्रम का प्रसारण होता है। देश विदेशों के जो लोग हैं उनके मन में अटले जो विकल्प है उसका समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कैसा कार्य किया जाता है, विकल्प हम तक पहुंचाया जाते हैं व्हाट्सएप के नंबर के द्वारा 8707548811। मैं नंबर रिपीट करता हूं 8707548811। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा या ऑडियो मैसेज टेक्स्ट मैसेज के द्वारा अपना विकल्प हम तक पहुँचा सकते हो। वह विकल्प मुनिषी तक प्रेषित किया जाएगा और मुनिषी के मुखारविंद से सम्यक समाधान हम लोग सब प्राप्त करेंगे। sammyak.samadhan@gmail.com इस ईमेल आईडी पर भी आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो और अपने विकल्पों का समाधान प्राप्त कर सकते हो। सुविशुद्ध ज्ञान धारा आज से चालू हुई है, आप सुविशुद्ध ज्ञान धारा का लाभ सम्यक समाधान कार्यक्रम से सुपर ओवर चैनल के 5:13 से प्रतिदिन ले सकते हैं और इनाम जीत सकते हैं। मैं मुनिषी के चरणों में तीवार बार नमोस्तु करते हुए आज के इस सम्यक समाधान की बेला को यहीं पे विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सुप्रभ उवाच भक्त परिवार सोलापुर।